सुप्रभात बच्चों, मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को हिंदी की पढ़ाई करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो अपनी अपनी रोनी की पुस्तिका साथ में रख लीजिए। पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 नाना के घर मजे मजे के लिखित कुछ प्रश्नों को हल किया था। अब आगे के प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे और उसको अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पिछले सारे प्रश्न और उत्तर को आप सभी अच्छे से याद कर लीजिए और अब आगे की पढ़ाई हम लोग चालू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखित हमारे कुछ प्रश्न बच गए थे। पहला है, दो प्रश्न हमने करवा दिया था और तीसरा प्रश्न है, नाना जी के खेतों में जाकर बच्चों ने क्या क्या देखा और खाया। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? जब मैंने कहानी पढ़ाई थी तो इन सारी चीजें आप लोगों को बताई थी कि कैसे वो लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा और क्या क्या खाया। तो चलिए इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, नाना जी के खेतों में जाकर बच्चे ने क्या क्या देखा। नाना जी के खेतों में तरह तरह की फसलें और सब्जियां लगी हुई थी। सब्जियां और फसलें तरह तरह की फसलियां सब्जियां लगी हुई थी वहां पे। उन्होंने बच्चों ने आम का पेड़, आलू, टमाटर, मूली ये सभी के पौधे भी देखे थे। वहाँ बच्चों ने आम के पेड़, टमाटर, मूली, आलू तथा मूली था मूली के पौधे देखे। पौधे को आलू के पौधे को उखाड़ कर इन्होंने देखा था कि आलू जमीन के नीचे में होता है। नाना जी के खेतों में तरह तरह की सब्जी और फसलें लगी थी वहाँ बच्चों ने आम के पेड़, टमाटर, आलू और मूली के पौधे देखे। और क्या देखा? गन्ने का खेत में गन्ने के रस को एक कढ़ाई में उबालकर उससे गुड़ बनाई जा रही थी। बच्चों ने गन्ने के खेत में गन्ने के रस से गुड़ बनते भी देखा था। गुड़ भी ठीक है। अब तो ये बात हुई कि उन्होंने क्या क्या देखा था। अब प्रश्न में एक और भाग है, देखा और खाया। अब खाने के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो बच्चों ने खेतों से क्या क्या खाया था कुछ याद है आप लोगों को? आम,
टमाटर, मूली तथा बैंगन। गरम गरम क्या खाए थे? गरम गरम स्वादिष्ट गुड़ भी खाया था। बच्चों ने खेतों से आम, टमाटर, मूली तथा गरम गरम गुड़ खाए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। नाना जी के खेतों में जाकर बच्चों ने क्या क्या देखा और खाया? नाना जी के खेतों में तरह तरह की सब्जियां और फसलें लगी थी। वहां बच्चों ने आम के पेड़, टमाटर, आलू तथा मूली के पौधे देखे। बच्चों ने गन्ने के खेत में क्या देखा? गन्ना तो देखा ही, गन्ने के रस से गुड़ बनते भी देखा। और क्या क्या खाया? तो बच्चों ने खेतों से आम, टमाटर, मूली तथा गरम गरम गुड़ खाए। अब अगला प्रश्न है, बच्चों को नानी ने क्या क्या खिलाया? नानी ने तो बहुत सारे पकवान खिलाए थे, तो आइए उसको हम बारी बारी से लिख लेते हैं। बच्चों को नानी ने गर्मा गर्म पूड़ियाँ, गरम गरम पूड़ियाँ, उसके बाद कौमा देंगे। बहुत सारी चीजें हैं, सबके बीच में कौमा देते जाएंगे। गर्मा गरम पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, बेसन की पकौड़ियाँ। पकौड़ी सब बच्चों को पसंद है ना? अब बेसन की पकौड़ियाँ, कच्चे, यहाँ कॉमा दे देंगे, कच्चे आम की चटनी, कच्चे आम की चटनी भी बहुत चटपटी होती है, खट्टी मीठी सभी बच्चों को पसंद है। कौमा देते चलेंगे। आलू, मटर और टमाटर की चटपटी सब्जी। इस प्रश्न उत्तर को याद करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई कहानी को एक बार ध्यान से पढ़ के समझ लेगा तो इनके प्रश्न, इन सभी प्रश्नों के उत्तर वो आराम से लिख लेगा। चटपटी सब्जी, नरम नरम मीठे गुल्ले, नरम नरम मीठे गुलगुल्ले, गुल और क्या, और खूब सारा मेवा यानी कि ड्राई फ्रूट डाल के खीर भी बनाया था, और मेवे वाली खीर खिलाई। मेवो वाली खीर खिलाई। बच्चों को नानी ने क्या क्या खिलाया? बच्चों को नानी ने गर्मा गर्म पूरियां, कचौरियां, बेसन की पकौड़ियां, कच्चे आम की चटनी, आलू मटर टमाटर की चटपटी सब्जी, नरम नरम मीठे गुलगुले और मेवों वाली खीर खिलाई। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ सभी प्रश्न के उत्तर दिख रहे हैं। एक दो मैंने पहले लिखा दिया था और तीन चार अभी। यहाँ पे आप लोगों का लिखित सभी प्रश्न के उत्तर आप लोगों को लिखा दिया गया है। ये सभी प्रश्न आप लोगों को अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में लिखना है। अब आगे अभ्यास के प्रश्नों को अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इतने को याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।